फिल्म की शुरुआत एक डरावने और टूटे फूटे घर से होती है, जहां मैरीगेट नाम की एक लड़की अपनी बहन कॉन्स्टेंस के साथ रहती है। मैरीगेट एक पेपर पर अपनी कहानी लिख रही होती है जो उसने पिछले कुछ समय अनुभव किया। इसके बाद सीन यही कट होकर पिछले मंगलवार को मुड़ जाती है, जहां कॉन्स्टेंस अपनी छोटी बहन मैरीगेट को खाने पर इनवाइट करती है। वो दोनों बहन अपने अंकल जूलियन के साथ रहते हैं जो चल नहीं सकते। वहीं टेबल पर रखे पुराने पेपर पर दोनों बहनों के माता पिता की खबर छपी होती है, जिसमें लिखा होता है कि ब्लैकवुड परिवार का घर भूतिया है, जहां उनके माता पिता की हत्या हुई। दरअसल इस हत्या का इल्जाम कॉन्स्टेंस पर लगा होता है, इस शक पर कि उसकी पिता उस पर बहुत अत्याचार और जबरदस्ती किया करते थे, जिससे तंग आकर कॉन्स्टेंस ने अपने ही पिता के खाने में जहर डालकर उन्हें मार दिया। लोग कॉन्स्टेंस को गाँव से भगा देना चाहते है, जिसके कारण कॉन्स्टेंस ने 6 साल से घर से बाहर कदम नहीं रखा। इसलिए मैनिकेट हर मंगलवार शहर जाकर जरूरत का सामान लाया करती है, पर जब भी वो शहर के लिए जाती है तो दूसरे बच्चे उसे परेशान करते हैं। हमेशा की तरह मैरीगेट आज भी शहर के लिए निकलती है और वो किसी पेड़ के पास कोई रिचुअल करके आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि ये रिचुअल करने से वो और उसकी बहन हर चीज से सुरक्षित रहेंगे। जब मैरीगेट शहर पहुंचती है तो सभी गाँव वाले उसे घूरने लगते हैं, क्योंकि कोई भी ब्लैकवुड परिवार को पसंद नहीं करता। पर अब जब मैरीगेट घर लौट रही होती है तो उसे फिर से कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं, जिसके बाद वो उसी पेड़ के कोई रिचुअल के अनुसार एक चम्मच जमीन में गाड़ देती है और तुरंत घर लौट जाती है। रात को कॉन्स्टेंस मैरीगेट से सवाल करती है कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई सामान लाने में, पर मैरीगेट उसे कुछ नहीं बताती। दरअसल मैरीगेट अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती है और वो उसे कभी खोना नहीं चाहती, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन मैरीगेट किसी किताब को पढ़ते नजर आती है, जिसमें बताए गए रिचुअल को ही मैरीगेट फॉलो कर रही है, इस उम्मीद में कि कोई कॉन्स्टेंस को उससे दूर ना कर सके। अब हमें पिछले बुधवार का सीन दिखाया जाता है, जहां मिसिस ब्लैकवुड की दोस्त स्टेला दस्तक देती है, जो अपने साथ अपने दोस्त को लेकर आई होती है। सभी अब अपने गपशप में बिजी हो जाते हैं, पर स्टेला की दोस्त मिस्टर ब्लैकवुड की हत्या की बात करना शुरू कर देती है, जो कॉन्स्टेंस को बुरा भला भी कहने लगती है। तभी वहां फिर जूलियन आ जाते हैं। स्टेला की दोस्त सारी बातें जानना चाहती थी कि आखिर उस दिन हुआ क्या, जिस दिन उनके परिवार की हत्या हुई। जिस जवाब में जूलियन उसे वही कमरा दिखाते हैं जहां मिस्टर ब्लैकवुड की हत्या हुई। वो बताते कि उस दिन कॉन्स्टेंस ने मैरीगेट को बिना खाए सोने भेज दिया और अपने पिता के खाने में जहर मिलाकर उनकी जान ले ली। ये सदमा उनकी माँ सह ना सकी और उनकी सदमे के कारण वही मृत्यु हो गई। तभी वहां स्टेला आ जाती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। अब सीन पिछले गुरुवार को मुड़ जाता है, जहां कॉन्स्टेंस मैरीगेट को शहर भेजती है क्योंकि घर में शक्कर खत्म हो गई थी, पर मैरीगेट उसे कहती कि वो सिर्फ मंगलवार को ही शहर जाती है। पर कॉन्स्टेंस उसे फिर भी जाने को कहती है और मैरीगेट वैसा ही करती है। पर जब मैरीगेट शहर से सामान लेकर वापस लौट रही होती है तो उसके रिचुअल वाले पेड़ पर लगी किताब गिरी मिलती है, जो उसने पेड़ पर टांगी थी, जिससे मैरीगेट को लगने लगता है कि अब कुछ भयानक होने वाला है। वो तुरंत घर की तरफ भागती है, जहां घर पर चार्ली आया होता है, जो मिस्टर ब्लैकवुड के दूसरे भाई का बेटा होता है। वो कभी कभी उनके घर चाय पीने आया करता है। चार्ली मैरीगेट को गले मिलने को कहता है, पर मैरीगेट वहां से चुपचाप चली जाती है और फिर से पेड़ के पास आकर सो जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद चार्ली उसकी बहन को उससे दूर करने आया है। आप सीन फिर से पिछले शुक्रवार पर मुड़ जाती है, जहां अब मैरीगेट शाम को घर लौटने लगती है, इस उम्मीद में कि शायद अब तक चार्ली चला गया होगा। पर कॉन्स्टेंस बताती कि इस बार चार्ली यहां कुछ दिन तक रहने आया है, जो बात सुनकर मैरीगेट एकदम उदास हो जाती है और अब उसके दिमाग में ये ख्याल चलने लगता है कि वो कैसे चार्ली को इस घर से दूर रख सकती है। उसी रात खाने पर चार्ली कॉन्स्टेंस से कहता है कि तुमने कई सालों से इस घर के बाहर कदम नहीं रखा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें बाहर की दुनिया भी दिखाऊंगा। जिस पर कॉन्स्टेंस जवाब देती है कि बाहर की दुनिया में उसका कोई नहीं है, जिसके कारण मैं हमेशा इसी घर में रहती हूँ। और ये सीन यही कट हो जाता है। अब सीन शनिवार की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ चार्ली अकेले बैठा होता है। फिर तभी वहाँ मैरीगेट आती है, जो उसे इस घर से जाने की विनती करती है, पर चार्ली जवाब देता है कि वो यहाँ कुछ समय और रहेगा। दरअसल चार्ली कॉन्स्टेंस के साथ अच्छा समय बिता रहा था, इसलिए कॉन्स्टेंस उसके साथ ही ज्यादा समय बिताने लगी थी। इसीलिए कॉन्स्टेंस मैरीगेट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, जो मैरीगेट को बहुत बुरा लग रहा था। चार्ली मिस्टर ब्लैकवुड के सारी चीजों का भी प्रयोग करने लगता है और उनके कमरे में भी सोने लगता है, जिस पर कॉन्स्टेंस उसे कुछ नहीं कहती। ये सारी चीजें देखकर मैरीगेट का गुस्सा चार्ली के प्रति और
बढ़ने लगता है। आप सीन सोमवार पर मुड़ जाती है जहाँ चार्ली घर की सीढ़ियाँ ठोक रहा होता है, तभी उसे एक डब्बा मिलता है जिसमें कई सारे बेशकीमती चांदी के सिक्के होते हैं। वो तुरंत कॉन्स्टेंस से सवाल करता है कि आखिर ये सिक्के यहाँ क्या कर रहे हैं। कॉन्स्टेंस जवाब देती है कि मैरी केट को चीजें छुपाने और दबाने का शौक है और वो ऐसे ही कई सारी चीजों को दफना देती है। पर चार्ली बताता है कि ये पैसे हैं और कोई पागल ही इंसान इन पैसों को दफनाएगा। वो अनजाने में मैरी केट को एक पागल लड़की कह जाता है, जिस पर भी कॉन्स्टेंस उसे कुछ भी नहीं कहती। इनफैक्ट वो चार्ली को कुछ सिक्के देती है ताकि वो बाजार से कुछ सामान ला सके। मैरी केट ये सारी घटना खिड़की से देख रही होती है और अब वो चार्ली का पीछा करने लगती है। चार्ली जब एक कॉफी की दुकान पर रुकता है तो लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये भी ब्लैकवुड के परिवार से है और उससे भी बुरा सलूक करते हैं। मैरी केट अब जब घर लौटती है तो कॉन्स्टेंस उसे ज्यादा बाहर जाने से मना कर देती है क्योंकि अब घर का सामान चार्ली ही लाएगा। कुछ समय बाद मैरी केट फिर से उसी पेड़ के पास आती है और कुछ समय वहीं बिताने के बाद वो घर लौट जाती है। घर पहुंचने पर वो देखती है कि चार्ली और कॉन्स्टेंस दोनों डांस कर रहे हैं, जो देख मैरी केट का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप अपने कमरे में सोने चली जाती है। अब सीन मंगलवार को मुड़ जाती है जहां मैरी केट चार्ली के कमरे में उसी पेड़ के कुछ मिट्टी और सूखी लकड़ियां रख देती है, जो देख चार्ली एकदम गुस्सा हो जाता है और मैरी केट पर बरस पड़ता है। जूलियन उसे मैरी केट पर चिल्लाने से मना करते हैं और उसे घर से बाहर जाने को कहते हैं, पर चार्ली जवाब देता है कि वो यहां से कहीं नहीं जाएगा जब तक वो मैरी केट को सजा ना दे दे, जिस पर जूलियन और चार्ली में बहस हो जाती है और सजा की बात सुनकर मैरी केट वहां से भाग जाती है और फिर से पेड़ के पास आती है जहां अब उसे अपने माता पिता का साया नजर आता है, जो उसे आशा देते कि तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जिसके बाद उनकी आत्मा गायब हो जाती है। मैरी केट शाम को फिर से घर लौटती है जहां सभी खाने पर बैठे होते हैं। कॉन्स्टेंस उसे हाथ धोकर खाने पर बुलाती है, पर मैरी केट पहले चार्ली के कमरे में जाती है और जलते हुए टोबैको पाइप को कचरे के डिब्बे में डाल देती है जिससे वहां आग लग जाती है। मैरी केट अब खाने पर लौटती है और वो चार्ली को जानबूझकर बुरा भला कहने लगती है, जिस पर चार्ली एकदम गुस्सा हो जाता है और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाने लगता है और कॉन्स्टेंस भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। फिर तभी फायर अलार्म बजने लगता है क्योंकि पाइप के कारण उस कमरे में अब आग लग चुकी होती है। चार्ली तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को खबर करता है। वहीं आग की खबर अब सारे गांव वालों में चिंगारी की तरह फैल जाती है और वो सभी भी उनके घर की तरफ भागते हैं। जूलियन अपने कमरे में जाकर कमरे को बंद कर लेते हैं और फायर ब्रिगेड वाले घर के अंदर प्रवेश करके आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। मैरी केट और कॉन्स्टेंस भी दोनों दूसरे कमरे में चुपचाप चले जाते हैं जहां आग या धुआं नहीं होता। पर वहीं आग बुझने के बाद निर्दय गांव वाले उन पर जुल्म करने लगते हैं क्योंकि वो सारे ब्लैकवुड परिवार को पसंद नहीं करते। वो सभी घर पर धाबा बोल देते हैं और तोड़ फोड़ करने लगते हैं। वहीं कपटी चार्ली मौका देकर घर की तिजोरी पर हाथ साफ करने लगता है, इसलिए वो तिजोरी खोलने की कोशिश करता है पर वो उसे खोलने में असफल रहता है। तभी वहां स्टेला अपने पति के साथ आते हैं और तुरंत घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जहां उन्हें जूलियन की लाश मिलती है। क्यू की कमरे में धुआं भर जाने के कारण उनका दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। घर पर हमले के कारण मैरी केट और कॉन्स्टेंस को घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है, पर गांव वाले उन्हें धर लेते हैं और कॉन्स्टेंस को मारने की कोशिश करते हैं, पर स्टेला के पति गोली चलाकर उन्हें डरा देते हैं जिससे अब भगदड़ मच जाती है। मैरी केट और कॉन्स्टेंस दोनों भागकर उसी पेड़ के पास छिप जाते हैं जहां मैरी केट फिर से रिचुअल करने लगती है और कुछ देर बाद दोनों वहीं सो जाते हैं। अगले सीन में हमें पिछले दिन का समय दिखाया जाता है जहां मैरी केट और कॉन्स्टेंस दोनों फिर से अपने घर लौटते हैं, पर अब वो बुरी तरह से टूट फूट चुका था। वो दोनों अब घर में प्रवेश करते हैं और घर को फिर से सभी के लिए बंद कर देते हैं। अब मैरी केट और कॉन्स्टेंस जब घर के दुरुस्त में लग जाते हैं तभी स्टेला और उसका पति भी आते हैं उनकी मदद करने के लिए, पर दोनों भी दरवाजा नहीं खोलते जिसके कारण स्टेला और उसका पति दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग उनके घर पर दस्तक देता है जो उनसे माफी मांगने आया था क्योंकि उसने पिछले रात गांव वालों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की। फिर भी दरवाजा ना खोलने पर वो अंत में कुछ खाने पीने का सामान छोड़कर चला जाता है और देखते ही देखते ऐसे कई गांव वाले और भी लोग वहां खाने का सामान रखकर जाने लगते हैं, पर मैरी केट और कॉन्स्टेंस दोनों दरवाजा नहीं खोलते। कुछ समय बाद चार्ली फिर से लौटता है जो अब भी कॉन्स्टेंस को बहलाने की कोशिश करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा और उसे बाहर की दुनिया घुमाएगा। दरअसल चार्ली अब तक पैसों के लालच में कॉन्स्टेंस को बहला रहा है और अब भी
उसकी नजर उनके पैसों पर है, पर इस बार कॉन्स्टेंस उसकी बातों में नहीं आती और मैरी केट और कॉन्स्टेंस दोनों टेबल के नीचे छिप जाते हैं। पर दरवाजा ना खुलने पर चार्ली जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जबरदस्ती ही कॉन्स्टेंस को अपने साथ ले चलने को कहते हैं। ये देख मैरी केट एक कांच के शो पीस से चार्ली के सिर पर वार कर देती है, जिससे चार्ली वहीं ढेर हो जाता है। मैरी केट का गुस्सा अभी गया नहीं होता और वो उस पर फिर से वार करती है, क्योंकि अब तक जो भी हुआ वो सब उसी के कारण था। वो दोनों अब चुपचाप चार्ली की लाश घर के पीछे दफना देते हैं। अब हमें प्रेजेंट समय दिखाया जाता है, जैसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। मैरी केट एक डायरी में सारी बातें लिख रही होती है जो अब तक उसने अनुभव किया। फिर तभी वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं जो उन्हें फिर से तंग करने लगते हैं, पर मैरी केट के दरवाजा खोलते ही वो बच्चे वहाँ से तुरंत भाग निकलते हैं। अंदर आने के बाद कॉन्स्टेंस मैरी केट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर मैरी केट खुश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आप समझते कि आखिर में हुआ क्या। दरअसल मैरी केट अपनी बड़ी बहन कॉन्स्टेंस को एज बहन बहुत प्यार करती है और वो उस पर कोई भी अत्याचार नहीं सहन कर सकती। इसलिए जब उसने अनुभव किया कि उनके पिता कॉन्स्टेंस पर बहुत अत्याचार करते हैं, तो उसी ने उन्हें जहर देकर मार दिया, जिसका क्लू हमें इस बात से लगता है जब एंड के पहले कॉन्स्टेंस ने मैरी केट से शेयर किया था कि उसने एक बार फिर परिवार को बचा लिया, जिसका इशारा इसी तरफ था कि मैरी केट ने ही उनके पिता की हत्या की ताकि वो अपने बड़ी बहन को जुर्म से बचा सके। जो बात कॉन्स्टेंस को पता थी, इसलिए उसने उसकी हत्या का इल्जाम खुद के सिर पर ले लिया, जिससे मैरी केट का कॉन्स्टेंस के प्रति प्यार पागलपन में बदल गया। वो उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी और ना ही चाहती थी कि वो इस घर से कभी निकले, वरना एक दिन वो शादी कर लेगी और उसे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए जुनून में वो एक ब्लैक मैजिक कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पावर पर विश्वास करने लगी, जो एक तरह से काम भी करने लगा। इसलिए अगर हम कॉन्स्टेंस के व्यवहार पर गौर करें तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कॉन्स्टेंस किसी स्पेल या मैजिक में हो। घर उजड़ने के बाद जब दोनों लौटते हैं, तब मैरी केट शेयर करती कि वो अब पूरे गांव वालों से बदला लेगी जिन्होंने उनका घर उजाड़ा और कॉन्स्टेंस को जिस तरह से सदमा सहना पड़ा, ठीक जैसे उसने चार्ली की जान ली। मूवी के एंड में मैरी केट का वो स्माइल यही इशारा था कि वो अपने मिशन में कामयाब हुई, जहां उसकी बहन अब कभी इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी और ना ही किसी तीसरे को उनके बीच आने देगी। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।